सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को लेकर काफी वक्त से मांग की जा रही थी कि मोदी सरकार कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए, जिसे आज सरकार ने मान भी लिया। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने इस पर मुहर लगाई, जिसके लिए अब सरकार संसद में विधेयक लाएगी। देश की विभिन्न अदालतों में करीब 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। जिला अदालतों में 2.8 करोड़ मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त जज नहीं है। वहीं हाई कोर्ट में 40 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में देखें तो यहां 58,000 मामले पेंडिंग हैं। लंबित पड़े इन मामलों को लेकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। कई पूर्व चीफ जस्टिस भी इसे लेकर अपना दुख जाहिर कर चुके हैं। इनकी मांग के आगे अब मोदी सरकार झुकती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने आज लंबित मुकदमों को जल्दी निपटाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने का फैसला किया है, जिसके लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा। इस तरह शीर्ष न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों के इस समय 30 पद हैं और लंबित मामलों को निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की जरूरत को देखते हुए ये संख्या 33 करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह न्यायाधीशों के पदों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई थी, लेकिन बावजूद इसके जजों के पद रिक्त रहते थे। मगर लंबे समय बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना के पद ग्रहण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 31 जजों की पूर्ण क्षमता हो गई थी, जिसके बाद ये मांग भी उठने लगी थी कि अब जजों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसे अब मान लिया गया है और अब सरकार संसद में विधेयक लाएगी, जिसे पास कराने के बाद इसका रास्ता साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।